हाय फ्रेंड्स, आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारतीय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वी हैव अवर भारतीय स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल विद ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर के कंपलसरी सब्जेक्ट ईपीसी थर्ड के पार्ट सिक्स को लेकर उपस्थित हूँ, जिसका पाठ्यक्रम बीएड परीक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण के उद्देश्य क्या क्या है, उन उद्देश्यों के बारे में चर्चा की। आज हम सूचना और संप्रेषण के अंतर्गत आने वाली चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। यानी संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जो चुनौतियां होती हैं, उनका समाधान आईसीटी के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे संप्रेषण के अंतर्गत जटिलता एक चुनौती है, यानी जटिल प्रक्रिया होना, संप्रेषण की जटिल प्रक्रिया होना संप्रेषण की चुनौती है, और उसको फिर आईसीटी के माध्यम से कैसे सरल बनाया जा सके। संप्रेषण का धीमी गति होना, संप्रेषण का खर्चीली व्यवस्था होना, संप्रेषण में समय का दुरुपयोग होना, संप्रेषण में संदेह की स्थिति होना, संप्रेषण में गोपनीयता का भंग होना, ये सब संप्रेषण की क्या है, चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का अध्ययन आज हम करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है ईपीसी थर्ड प्रकरण होगा सूचना एवं संप्रेषण में चुनौतियां। यानी सूचना और संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारी परंपरागत सूचना और संप्रेषण प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत क्या क्या चुनौतियां हैं जिनका समाधान हम आईसीटी के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे नंबर एक है जटिलता। नंबर दो है धीमी गति। नंबर तीन है खर्चीली व्यवस्था। नंबर चार है समय का दुरुपयोग। नंबर पांच है संदेह की स्थिति। नंबर छह है गोपनीयता का भंग होने का खतरा। कहने का मतलब, जटिलता, धीमी गति, खर्चीली व्यवस्था, समय का दुरुपयोग, संदेह की स्थिति और गोपनीयता भंग होने का खतरा। यानी कि ये सब चुनौतियां किसके अंतर्गत आती हैं, संप्रेषण के अंतर्गत आती हैं। जो हमारा परंपरागत संप्रेषण है, उसके अंतर्गत इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसका समाधान हम वर्तमान आईसीटी विभिन्न डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। जैसे यदि
आईसीटी के माध्यम से हम जटिलता को किसमें परिवर्तित करते हैं, सरलतम रूप में, यानी जटिल को क्या कर देते हैं, यानी संप्रेषण प्रक्रिया कैसी हो जाए, सरल हो जाए। धीमी गति को किसमें परिवर्तित किया जाता है, यानी कि तीव्र गति में, तीव्र गति। और खर्चीली व्यवस्था को कम खर्चीली व्यवस्था, कम खर्चीली व्यवस्था। और समय का दुरुपयोग के स्थान पर समय का सदुपयोग। संदेह की स्थिति के स्थान पर सुस्पष्ट। और गोपनीयता भंग होने के खतरा के स्थान पर पूर्ण गोपनीयता। कहने का मतलब जो संप्रेषण के अंतर्गत चुनौतियां हैं उनको आईसीटी के माध्यम से जटिल से कैसा बना दिया जाए, सरल बना दिया जाए, धीमी गति का तीव्र गति में, यानी कि जो संदेश धीमी गति से जाते हैं वो आईसीटी के माध्यम से तीव्र गति हो जाती है। और खर्चीली व्यवस्था के स्थान पर कम खर्चीली व्यवस्था, समय का दुरुपयोग के स्थान पर समय का सदुपयोग, किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। संदेह की स्थिति के स्थान पर सुस्पष्ट, और गोपनीयता भंग होने के खतरा के स्थान पर पूर्ण गोपनीयता। अब पूर्ण गोपनीयता कब आती है, जब आईसीटी का प्रयोग किया जाए। जैसे पहला ही बिंदु ले लेते हैं हम, जैसे जटिलता। जटिलता से तात्पर्य यह है कि किसी भी संस्था, किसी भी संगठन, किसी भी शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की जटिलताएं होती हैं, और जटिलता होना स्वाभाविक है। लेकिन उस प्रक्रिया को वर्तमान आईसीटी के माध्यम से कैसा कर दिया जाता है, सरल कर दिया जाता है, यानी तकनीकी प्रयोग के माध्यम से वो जो क्रियाकलाप हैं, जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को कैसा बना दिया जाता है, सरल बना दिया जाता है। किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। जैसे धीमी गति, अब धीमी गति कैसे होती है, यानी संप्रेषण की जो गति है वो धीमी होती है। मान लो कोई संदेश है और संदेश को लिखित रूप में भेजा गया है, और यदि आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से संदेश भेजा जाए तो आईसीटी में संदेश को श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य, यानी ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो, तीनों ही श्रेणी में जब भेजा जाता है तो संदेश की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि संदेश वो तुरंत देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, और उसमें दोनों प्रक्रिया भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संदेश की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति से कैसी हो जाती है, तीव्र गति हो जाती है। नेक्स्ट है खर्चीली व्यवस्था। अब कहने का मतलब संप्रेषण जो प्रक्रिया है ये खर्ची, लिखित संदेश की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, खर्चीली है, क्योंकि उसमें फाइल, फोल्डर, कार्यालय कर्मचारी, यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में होकर जाना पड़ता है। उसका परिणाम ये होता है कि वो जो व्यवस्था है, लिखित व्यवस्था, लिखित संदेश की व्यवस्था खर्चीली है। लेकिन वो आईसीटी के माध्यम से कैसे कम खर्चीली बन जाती है, क्योंकि उस इसमें ना कोई फाइल होल्डर बनाना पड़ता है, ना कोई अधिक कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, यानी सीधे ही संदेश को भेजा जा सकता है। तो यानी कि जो संदेश की जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो कम खर्चीली आईसीटी के माध्यम से हो जाती है। नेक्स्ट है समय का दुरुपयोग। जब मान लो कोई लिखित संदेश होगा तो उस लिखित संदेश को पहुंचाने में 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं, यानी डाक से कोई संदेश भेजा जाएगा तो वो समय भी लगेगा। लेकिन जब आईसीटी के माध्यम से कोई संदेश भेजा जाएगा तो उसका क्या होगा, तुरंत उसी समय उसका आंसर भी मिल जाएगा, यानी कि तुरंत एट ए टाइम, हाथ के हाथ, हैंड टू हैंड संदेश पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, समय की भी बचत होगी। नेक्स्ट संदेश की, सॉरी संदेह की स्थिति। हमेशा जो लिखित संदेश होते हैं वो संदेह की स्थिति में होते हैं। कारण यह होता है कि जब लिखित संदेश होता है तो उसमें ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि उसका, मान लो जो संदेश करता है
तो संदेश प्राप्त करता है, यानी सेंडर है और रिसीवर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में यह सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि उसका जो आंसर है वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो हमेशा जब तक उसका आंसर रिप्लाई ना हो जाए, यानी सेंडर के पास रिसीवर का आंसर जब तक रिप्लाई ना हो जाए, तब तक वो स्थिति संदेह के घेरे में रहती है, और ये संदेह बना रहता है कि आखिर उसका आंसर नकारात्मक है या सकारात्मक है। जबकि आईसीटी के माध्यम से तुरंत उसी टाइम उसी समय ये निश्चित हो जाता है कि उस प्रश्न का आंसर क्या है, उस संदेश का आंसर क्या है। तो इसलिए इसमें संदेह की स्थिति का कोई स्थान नहीं होता, और संदेश हमेशा कैसे होते हैं, सुस्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट है गोपनीयता भंग होने का खतरा। लिखित संदेश के अंतर्गत यह निश्चित है कि सदैव गोपनीयता भंग होने का खतरा होता है। जैसे मान लो कोई डाक से संदेश भेजा गया है, और वो संदेश हो सकता है वो लिफाफा पड़ोसी को भी मिल सकता है, और पड़ोसी उसको खोल के भी देख सकता है, तो हमेशा लिखित संदेश में गोपनीयता भंग होने के चांस होते हैं। लेकिन जो आईसीटी के माध्यम से जो संदेश भेजा जाता है वो पूर्ण गोपनीय होता है। पूर्ण गोपनीय का रिजल्ट यह है कि जो संदेश होते हैं वो एट ए टाइम उसी व्यक्ति तक, यानी कि निश्चित स्थान पर निश्चित समय में और निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचता है आईसीटी के माध्यम से। तो इसको और क्लियर करेंगे। जैसे नंबर एक है, जटिलता है, जटिलता सूचना एवं संप्रेषण के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित व्यवसायगत, यानी कि सूचना एवं संप्रेषण के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जिनका कार्य जिनकी कार्य प्रणाली अत्यंत जटिल होती है, परंतु वर्तमान सूचना एवं संप्रेषण प्रणाली के द्वारा विभिन्न कार्यकलापों
कार्यकलापों को सरल एवं सुगम बना दिया जाता है। कहने का मतलब, सूचना एवं संप्रेषण के अंतर्गत विभिन्न शैक्षिक संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं, जिनकी कार्यप्रणाली अत्यंत जटिल होती है, परंतु वर्तमान सूचना एवं संप्रेषण प्रणाली के द्वारा विभिन्न कार्यकलापों को सरल एवं सुगम बना दिया जाता है। कहने का मतलब, उनका डिजिटलीकरण करके, उनका तकनीकीकरण करके और उन समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है, जिन जिन जो जो समस्या उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, धीमी गति यानी कि लिखित संदेश, लिखित संदेश सदैव धीमी गति से प्रेषित हो पाते हैं, जबकि तकनीकी प्रणाली के द्वारा संदेश श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य रूप में भेजे जाने के कारण तीव्र गति से प्राप्त करता तक पहुंच जाते हैं। यानी कि लिखित संदेश सदैव धीमी गति से प्रेषित हो पाते हैं, जबकि तकनीकी प्रणाली के द्वारा संदेश श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य रूप में भेजे जाने के कारण तीव्र गति से प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है, खर्चीली व्यवस्था यानी कि संदेश लिखित रूप में संप्रेषण करने के लिए विभिन्न फाइल
होल्डर और कार्यालय कर्मचारी, यानी कि संदेश लिखित रूप में संप्रेषण करने के लिए विभिन्न फाइल फोल्डर और कर्मचारी आदि का होना आवश्यक है, जिससे सूचना एवं संप्रेषण प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली हो जाती है। यानी कि संदेश लिखित रूप में संप्रेषण करने के लिए विभिन्न फाइल फोल्डर और कार्यालय कर्मचारी आदि का होना आवश्यक है, जिससे सूचना एवं संप्रेषण प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली हो जाती है, जबकि आईसीटी के माध्यम से इन सब का समाधान किया जा सकता है और कर्मचारियों में कमी की जा सकती है, जिसके कारण जो उसका खर्चा है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है समय का दुरुपयोग। यानी कि लिखित संदेश सदैव तीन से चार दिन में प्राप्त करता तक पहुंचते हैं, जबकि तकनीकी प्रणाली के माध्यम से संदेश तुरंत उसी समय पहुंच जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है। कहने का मतलब लिखित संदेश सदैव तीन चार दिन में प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि तकनीकी प्रणाली के माध्यम से संदेश तुरंत उसी समय पहुंच जाते हैं, जिससे समय की बचत होती है, यानी कि समय का सदुपयोग होता है। किसके माध्यम से? आईसीटी के माध्यम से। आईसीटी के माध्यम से हम समय की बचत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है संदेह की स्थिति, यानी कि संप्रेषण में
संदेह की स्थिति बनी रहती है, और जब हम आईसीटी के माध्यम से यदि कोई संदेश प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं तो संदेश की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे संदेश प्रक्रिया में लिखित रूप से भेजा गया संदेश किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिससे संदेश की यानी कि संदेश प्रक्रिया में लिखित रूप से भेजा गया संदेश किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिससे संदेश के उत्तर मिलने तक सदैव यह संदेह बना रहता है कि प्राप्त करता द्वारा उसका उत्तर सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का होगा। कहने का मतलब जो संदेश प्रक्रिया में लिखित रूप से भेजा गया संदेश किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जिससे संदेश के उत्तर मिलने तक सदैव ये व्यक्ति सदैव ये संदेह बना रहता है कि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उत्तर सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार का होगा। कहने का मतलब यह है कि जब संदेश प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है तब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, और जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता सेंडर के लिए तब तक ये संदेह बना रहता है कि आखिर उसका जो आंसर है वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। लेकिन तकनीकी प्रणाली के अंतर्गत ये स्थिति खत्म हो जाती है, क्योंकि जो संदेश होते हैं वो एक निश्चित व्यक्ति तक ही पहुंचते हैं, और निश्चित व्यक्ति के द्वारा पहुंचने पर उसका आंसर भी निश्चित स्थिति में मिल जाता है, जिससे उसकी जो संदेश की स्थिति होती है उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। नेक्स्ट है गोपनीयता भंग होने का खतरा, यानी कि जब संदेश निश्चित व्यक्ति तक निश्चित समय
में नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में संदेश की गोपनीयता भंग होने की आशंका बनी रहती है। यानी कि जब संदेश निश्चित व्यक्ति तक निश्चित समय में नहीं पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में संदेश की गोपनीयता भंग होने की आशंका बनी रहती है। कहने का मतलब जो संप्रेषण प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया होती है उसमें गोपनीयता भंग होने के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि मान लो कोई सेंडर के द्वारा कोई संदेश भेजा गया है और वो खुदा न खास्ता वो व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है और उसका कोई पड़ोसी या कोई दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है तो वो उस लिफाफे को खोल भी सकता है। लेकिन आईसीटी एक ऐसा माध्यम है जिसमें इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि इसके द्वारा जो भेजा गया संदेश है, वो जो डिजिटल संदेश है, वो एक निश्चित व्यक्ति के लिए निश्चित समय में प्राप्त होगा। और जब ऐसी स्थिति होगी, जब संदेश निश्चित समय में निश्चित व्यक्ति को ही प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में गोपनीयता भंग होने की आशंका बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये जो चुनौतियां हैं इनको आईसीटी के माध्यम से उनका सामना किया जा सकता है और उन चुनौतियों का हल किया जा सकता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया जो है, आईसीटी जो है, इससे विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।